नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्निक फीवर यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैंने आपको एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई है कि किस तरह से फ्रॉडिस्टर जो है आपके साथ बैंक फ्रॉड करते हैं, आपको कॉल करते हैं आपका सगा बनके और आपके अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं। मैंने यहाँ पर उसको बातों में फंसा के पूछा कि वो कितने रुपये कमा लेता है और किस तरह से वो ये करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको रिकॉर्डिंग में मिलेंगी और आपको जानने को मिलेगा कि वो इस तरह के फ्रॉड से 20 से 30 हज़ार रुपये दिन के कमा लेता है। तो आप ये रिकॉर्डिंग सुनिए और इससे कुछ सीखिए कि आप इससे कैसे बच सकते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, और कैसे हो? बढ़िया है। एक बार अपना परिचय दे दीजिए, पहचान नहीं पाए हम। अरे वाह, पहचान नहीं पा रहे क्या? नहीं नहीं, अरे नए नंबर से कॉल कर दिया तो इतनी जल्दी भूल गए? अच्छा अच्छा, कन्हैया बात कर रहे हो? हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा, बताइए भैया। और सुनाओ, घर परिवार में क्या हो रहा है? बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया हो रहा है। आप बताइए जी। बस हम भी बढ़िया है, आप लोगों की कृपा है हमारे ऊपर। अच्छा अच्छा। और बताओ, और कैसे याद आ गई? अरे हमको तो याद आती रहती है आपकी, आप तो याद ही नहीं करते हो ना। अच्छा, ये बात भी सही है। अब कोई तो है आपको याद करने वाला? बहुत बढ़िया बात है। और सुनाओ। और तो कुछ नहीं, ऐसे बैठे हुए हैं। नाश्ता पास्ता हो गया ना हुआ? नाश्ता हो गया जी, नाश्ता हो गया। अच्छा अच्छा, वो काम पर गया था ना थोड़ा सा आपसे। हाँ हाँ, बताइए बताइए। वो आपका फोन पे चल रहा है क्या? हाँ, आपका कुछ पैसे कहीं से ले रहे होंगे ना? आपको क्या पैसे कहीं से ले रहे होंगे? आपका अकाउंट नंबर भी दे रहा होगा, कैश नहीं दे रहा होगा ना वो आदमी? हाँ कैश नहीं दे रहा वो आदमी। अच्छा हाँ, चल तो आपके नंबर पे डलवा दूँ क्या? अरे डलवा दो, कोई नहीं, पैसा ही तो आ रहा है। फिर कब लोगे आप मुझसे? कब लोगे क्या आप कब लोगे मुझसे फिर? अरे कभी भी दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, चलो डलवा दो, कोई नहीं। अपना यही नंबर है क्या फोन पे वाला? हाँ तो सर, हाँ यही नंबर है जी। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आपको बता दो पहले। हमें क्या दिक्कत होगी, अब पैसा आपका है, आप डलवा रहे हो, निकाल लेंगे, दे देंगे आपको। हाँ एक्चुअली ऐसा, हमारा उनसे जाएगा। अच्छा अच्छा, काफी समय हो गया ना। हाँ, तो आपके नंबर पे मैं हेलो लिख के डाल सकता हूँ? हेलो हाय डाल दो। फोन पे से करोगे कि कैसे करोगे? व्हाट्सएप पे। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, मैं आपके व्हाट्सएप पे हेलो लिख के डाल देता हूँ। अच्छा, तो फिर आप क्या करेंगे, आप वो पैसा भिजवाएंगे वहाँ से फिर? हाँ, वो आपके नंबर से पेमेंट डलवाता ना। हाँ तो फिर नंबर पे मेरा नोटिफिकेशन आएगा, फिर मुझे उसको एक्सेप्ट करना रहेगा ना? हाँ, नहीं नोटिफिकेशन क्यों आएगा आपके पास में? अच्छा अच्छा, कन्हैया जी। हाँ बोलिए। मैं भी यार यही काम करता हूँ। आप तो यही काम करते हो क्या? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं वही काम करता हूँ। मैंने पहले ही बोल दिया, पैसे डलवाओगे, फिर नोटिफिकेशन भेजोगे फोन पे गूगल पे पे, फिर मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। चलो आपको पहले मैं समझ गया था मैं आपको, तभी आप खुल के नहीं बता रहे हैं। हाँ मैं तभी आपको खुल के बता रहा हूँ ना। हाँ ये बोला तो कोई नई ट्रिक बता देते हैं यार, कोई नया ऑब्जेक्शन चल रहा है क्या? नया भैया कुछ नहीं है, ऐसे फंस रहे मुर्गे आजकल आपके चाल में इस तरह से? हाँ इस तरह से फंस जाते है ना मुर्गे, एक अब दो फंसता है यार रोज। हाँ रोज का 10-20 हजार रोज का हो जाता। चलो कोई नहीं, 10-20 हजार रोज हो जाता है ना, तो इतना ही काफी है। बाकी ये यूट्यूब वाले नहीं है, यूट्यूबर जो है वो इन ट्रिकों को जल्दी बता देते हैं लोगों को वीडियो बना के। वीडियो बना के तो खैर कर देते हैं, पर जब भी तो लोग बार फंस जाते हैं ना। जब भी लोग फंस जाते हैं, देखो अब देखो, फिर भी बढ़िया है। चलो देखो, नई ट्रिक तो यही है, एक यही चल रही है और दूसरी वो फोन पे पेटीएम वाली थी, अब उसको भी साला वो करने लग गए। अब आपकी नजर में कोई नया तरीका हो जैसे बात करने का, पैसा कमाने का, या और कोई तरीका हो बता दो यार, हम भी आप में कर लेंगे और क्या। बताओ अब आप दोस्त भी कर लो, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। वही तो, एक ही काम करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कहाँ दिल्ली में रहते हैं कि कहीं और रहते हैं? कहाँ पे आप कहाँ रहते हैं?
मैं तो इधर रहता हूँ ऋषिकेश। अच्छा ऋषिकेश से करते हैं तो भैया यार ऐसे हमें तो यार हमारा हमने एक बार ट्राई किया था तो हमारा था केस हमारे नंबर पर पुलिस वाली से आ गई थी, हमने फिर बंद कर दिया अभी कुछ दिन से। कैसा? अरे वो नंबर से कॉल किया था, किसी ने नंबर दे दिया पुलिस ने हमारा। भाई आपका नंबर तो दे दिया होगा, हमारा सिम भाई बहुत दूर से आता है। कहाँ से मंगाते हो? हाँ हमारे को एक सिम पड़ता है कम से कम 25 से 26 रुपए पड़ता है एक सिम हमारा। तो किसी और के नाम पे आता हुआ है? अब पता नहीं किसके नाम से आता है, आसाम से, महाराष्ट्र, बेंगलोर। नहीं लेकिन दिक्कत ये भी होती है ना, नंबर तो आप मंगा लेते हो ठीक है, जो पेमेंट जिस अकाउंट में लेते हैं वो अकाउंट भी ट्रैक होने लग गए आजकल। मेरे कोई जानने वाले 2-3 लड़के फंस गए इस चक्कर में, इसलिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। अरे अपने अकाउंट में क्यों गिरते हैं हम? जिसके में गिरेंगे वो तो बता ही देता है ना जब पुलिस तहकीकात करती है तो। अरे ऐसे कैसे यार, वो सब जैक जुगाड़ होता है। सब जैक जुगाड़ होता है, जिसको आधार कार्ड पैन कार्ड लेते हैं ना उसी का अकाउंट खुल जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, उसका कार्ड मंगा लेते हैं। चलो बढ़िया है, मैंने तो यार अभी आजकल ना मैं अभी छूट के आया हूँ जेल से 15 दिन पहले ही, अभी तो मेरे को डर सा लग रहा है थोड़ा, तो मैं अभी ये कर नहीं रहा हूँ कुछ दिन से। ना कोई नया तरीका है आपकी नज़र में? नया तरीका भैया मैं जिसने आपने जिस आदमी को कॉल कर दिया है ना भैया, मैं नया तरीका बताता नहीं हूँ, मैं नए तरीकों की पोल खोलता हूँ। मैं एक यूट्यूब पे काम करता हूँ, तो मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बनाता हूँ मैं, तो अब मैं लोगों को बताऊंगा कि लोग कैसे उनके साथ फ्रॉड करते हैं, क्योंकि मेरे को तो नहीं बताया मेरे घर वालों ने कि किसी की क्या कहते हैं कमाई, मेहनत की कमाई को 2 मिनट में छीन लूं मैं, तो मैं तो इनको सिखाता हूँ कि कैसे बचें। तो ये आपकी रिकॉर्डिंग मेरी मदद करेगी कि कैसे बचें आप जैसे लोगों से, जो आप करते हो ना। मैं क्या बोलूँ आपको, आपको मतलब ये जो कर रहे हैं ना आप, अच्छी बात तो है नहीं भैया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा कि आपको किस तरह से ऐसे कॉलरों को जवाब देना है ताकि आप अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को बचा सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलूंगा आपसे अपने आने वाले किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें कोई नई टेक्निक।